नमस्कार मु प्रज्ञान समस्त को स्वागत करुच्ची तुमको यूट्यूब चैनल को जार नाम हूँ स्टडी विथ प्रज्ञान। आशा करुच्ची तुमने भले थ निजर प्रिपेरेसन को बहुत भल भाव करु। तो देखो पुलिस एसआई 2021 रो एग्जाम को लेकिन गोटे गुरुत्वपूर्ण अपडेट आसी। तो गत काली पुलिस एसआई 2021 को लेकिन गोटे हाईकोर्टे गोटे केस पिटिशन होता। तो केस टी तुमको बयस सीमा कोहल को लेकिन कोविड तुमको जो एज रिलैक्सेशन रोचे से पुलिस एसआई 2021 दि जाइन तो ताकू नहीं केस टी होता ओडिशा हाईकोर्टे। सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा यह हूँ कि हाईकोर्ट आज से केस टी गुरुत्वर सहकार एक्सेप्ट कर सहित यह अर्डर देते बर्तमान तुम जो प्रोसेसिंग रही पुलिस एसआई 2021 रो स्टे ताऊपर टोटाली रोहितादेश स्टे लगे। तो यहाँ हूँ सब गुरुत्वपूर्ण कथ बर्तमान तुमको जहाँकि मार्च 12 कि मार्च 19 तुमको परीक्षा हबार था बर्तमान चान्स टोटाली आई मार्च 12 कि मार्च 19 तुमको परीक्षा हबार कौन संभावना ना। ऑलरेडी हाईकोर्ट या प्रोसेसिंग स्टे लगे सारी जे प्रोसेसिंग चालू रमती किसी ना प्रोसेसिंग स्टे लग सारी। तो देख तुमको वर्तमान एग्जाम टी मार्च 12 कि मार्च 19 परीक्षा हमारे संभावना ना। नेक्स्ट जो हियरिंग रोचे शुणी रोचे से रोचे मार्च 9 पाखापाखि गोटे मस पर एत लंबा हियरिंग समय सीमा देखते हाईकोर्ट कौन पर तो जाना ना कि गोटे मस पर तुमको हियरिंग रोचे। ऑलरेडी ओपीआरबी को आज नोटिस पलेब और ओपीआरबी तार काउंटर कर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रही केस टी डिसमिस होबार। कारण देख तुम्हार जो सिविल कांस्टेबल एग्जाम गला सिविल कांस्टेबल कौन पाखापाखि 4-5 वर्ष पर रिक्रुटमेंट आसी कि तुमने जानी थी सीपीएससी 2018 रिक्रुटमेंट 19 आसला 19 रिक्रुटमेंट टी 20 आसला और 20 रिक्रुटमेंट पुलिस एसआई 2021 तुम 21 आसी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रही तुमको केस टी डिसमिस हो जेहतु प्रत वर्ष एसआई रिक्रुटमेंट आसू। तथापि जो गाइडलाइन रही है कोविड 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन दिजिव जहाँ भी तुमको रिक्रुटमेंट आसो कोरोना पर तो से गाइडलाइन पालन हो ना पुलिस एसआई 2021 एग्जाम। तो नोटिस भी आसी तुमको पुलिस एसआई 2021 पर ही गाइडलाइन आसी भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट। तेणु मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रही केस डिसमिस हो कि जेहेतु वर्तमान हाईकोर्ट केस टी एक्सेप्ट कर देन वर्तमान किसी भी होपे यहाँ डिपेंड कर ओपीआरबी ओपीआरबी केमती काउंटर करा डिपेंड कै ओपीआरबी जे से केस टी आगे नहीं पार्टी ना से डिसमिस कर पार्टी समस्त प्रकार डिपेंड कर तुम्हार ओपीआरबी ओपीआरबी चाहिए आराम से केस टी डिसमिस कर दे पार और से डेट्रे एग्जाम कर किंतु जेहेतु तुमको मार्च 9 जाए तुमको कौन लगला रोहितादेश लगला तेणु तुमको एग्जाम टी मार्च 12 कि 19 हम ना ये पूरा 100% तुमने सियोर हो जाओ। देखो मार्च 9 जाए तुमको प्रोसेसिंग बंद रहा मैंने कौन प्रकार एग्जामिनेशन सेंटर टू आरंभ करके तुमको एडमिट कार्ड जाए मार्च 9 जाए किसी आसो ना मार्च 9 पर जाकि जहाँ एडमिट कार्ड मिनिमम 15 दिन आगु आसो तेणु मार्च 12-19 परीक्षा होबार कौन संभावना ना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रही मार्च लास्ट वीक जोटा मार्च 26 रोचे ना एप्रिल जाए तुमको परीक्षा हम एवं ये आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ जदि तुम मार्च 9 केस टी डिसमिस हो ना केस टी पुणी आग को पलाऊँगी तार तुम मान जो पुलिस एसआई एग्जाम रही आहरी आग को घुंची जब। तो मार्च 9 ही फलाफल जना पड़ बर्तमान गोटे मस समय सीमा रहा मसे पर जाना पड़ो तुमको केस टी आग को जाऊदिन डिसमिस हाईकोर्ट जो मैंने पिटिशन करते केस शुणा तो किसी भी होपे बर्तमान तुमको सिविल कांस्टेबल रिलैक्सेशन मिली जो मैंने केस करते रिलैक्सेशन मिल पाए या फिर हाईकोर्ट केवल जो मैंने केस करवल एग्जाम देवाई परमिशन दे पाए या फिर आउ थर तुमको अनलाइन आवेदन करने हाईकोर्ट ऑर्डर मध्य दे पारंती किंतु तार चांस टिके संभावना सामान्य कम रोचे है सामान्य कम रोचे। तथापि जिते भी पुलिस एसआई कैंडिडेट रही तुमने तुमको प्रिपेयर तो समस्त भल भाव निजर प्रिपेरेसन करुव आउ गोटे कथा जो मैंने भी प्रूफ मागुच्च नोटिफिकेशन बा केस स्टाटस से गुड़क बर्तमान जाए आसी ना आज सन्या सुधा आसी या फिर काली सका सुधा तुमने जापर ऑलरेडी न्यूज चैनल मध्यम तुमने जापार ऑलरेडी तुमको स्टे लग सारी जो मैंने भी जान से न्यूज चैनल खोलिकी निजे चेक कर नहीं पार। तो जो जो केस स्टाटस रही तुमको नोटिफिकेशन से गुड़क आसगला मैंने तुमको आउ थे प्रोभाइड करदेवि है। तो समस्त भल भाव प्रिपेरेसन कर जो मूँ प्रोब्लेम हो फेक कौन कि पिला आसिकी बाजा बाजा कमेंट कर भूल भी आसी मो चैनल वीडियो देखु ना जो चैनल तुमको ठीक ठाक कहे तुमने से चैनल जाइए तुम्हें सब इनफर्मेशन संग्रह कर बुझीला बेकार आसी।